अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टीवी वन। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने घर में कैसे जो है अपने रूम कूलर के साइड बना सकते हैं। तो रूम कूलर के साइड मुख्तलिफ होते हैं, एक जो है गैस वाले होते हैं जो हर साल हमको तब्दील करने पड़ते हैं। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका सिखाऊंगा जिसे आपने हाल ही एक दफ़ा बनाना है और पूरी ज़िंदगी वो ख़राब नहीं होंगे। तो उसके लिए हम गैस यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए हम हनीकॉम फेड यूज़ करेंगे। तो इससे आज हम बनाएंगे और इसके जो साइड है वो भी हम सारे प्लास्टिक के बनाएंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरी देखना है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए और ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप हनीकॉम फेड यूज़ कर रहे हो और इसका फ्रेम लोहे का हो तो उसका फ्रेम भी गल जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो आज हमने फ्रेम जो है वो भी लोहे का इस्तेमाल नहीं करना और हमने फ्रेम जो है वो प्लास्टिक का खुद बनाना है। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरी देखनी ही ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जिस तरह ये मैंने ऑलरेडी एक बनाया हुआ है, तो आप लोगों ने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे। तो इस पेड के बारे में मैं बता दूँ, ये जो है पूरा शीट जो है 1600 रुपये का मिलता है। अगर आप आधा शीट लोगे तो आपको आधे कीमत पर मिलेगा। तो मैंने आधा शीट ख़रीदा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मैंने 800 रुपये का ख़रीदा था। तो बाकी जितनी भी चीज़ें इसमें यूज़ होगी उसका सारा लिस्ट मैं बना लूँगा और इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूँगा। तो आप डिस्क्रिप्शन से जो है इंस्टाग्राम पे के लिंक पे क्लिक करके वहाँ से इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और वहाँ पे आप पूरा लिस्ट देख सकते हैं कि इसके साइड पे जो है हमारा कितना खर्चा आ चुका है। तो वो आपके साइज़ के मुताबिक है। अगर आपका साइज़ छोटा है तो उसका खर्चा कम हो सकता है। मैंने जो है बड़ी साइज़ का बनाया हुआ है, 30 और 32 इंच का है। तो इसके बाद जो है मैंने इससे एक खिड़की में रूम कूलर बनाना है, उसकी वीडियो इसके बाद अपलोड होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो आप अपने घर में जो है इससे रूम कूलर भी बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फिलहाल जो है साइड की वीडियो पूरी देखते हैं कि इसको जो है हम कैसे जो है प्रोफेशनल तैयार करेंगे। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने अपने रूम कूलर का जो खिड़की है वो नापना है कि वो कितने साइज़ का है। तो मैंने ऑलरेडी नाप चुका हूँ, वो 27 इंच का है। तो इसको हम 27 इंच जो है, ये जो है बेसिकली इसका अपना साइज़ जो है वो 2 फुट आता है। तो इसको हम बढ़ाने के लिए इसके साथ थोड़ा सा पीस लगाएंगे तो इसको हम पूरा करेंगे। 27 इंच, 2 बटे 1, 2, 3, तो 3 इंच जो है हमने इससे पीस काटना है इसके लिए। तो ये 3 इंच का पीस मैंने काट दिया। अब इसके साथ जो है हम इसको लगाएंगे एलफी के ज़रिए। आज आप समत बोर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं एलफी के ज़रिए इसको लगाऊंगा इसके साथ। और एक छोटा सा फीस जो है हमने यहाँ पे भी इसके लिए ऐड करना है। इसको ऊपर कर लेते हैं। ये एलपी है, आप किसी भी एलपी से यूज़ के आप किसी भी एलपी के साथ इसको जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये अच्छी तरह से चिपक गया है, आप लोगों के सामने है। इसको हमने सुपर ग्लू से चिपका लिया है। आप देख रहे हैं बिल्कुल इसका पता नहीं चलता कि ये 2 पीस है। तो अब जो है हमने इसके साइडें बनानी है। तो दोस्तों इसके साइड बनाने के लिए हमने पूड़ी के डकपट्टी इस्तेमाल करनी है जो किसी भी बिजली की दुकान से मिल जाती है। इससे हम ऊपर वाला सर हटाएँगे। तो ये इसके लिए ऐसे है जैसे बिल्कुल परफेक्ट इसके लिए खाली बनाया गया हो। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं ये इसके लिए बिल्कुल ही बेस्ट है, जैसे कि ये इसके लिए कंपनी की तरफ से बनाया गया हो। अब जो है बेसिकली हमने इसके नीचे वाला साइड बनाना है। बहुत बेस्ट बन रहा है यार, बहुत मज़े का काम हो रहा है। अब जो है हमने इसके ऊपर भी सुपर ग्लू डालना है। वाह क्या बात है यार।
ओ सॉरी यार, एक चीज़ भूल गए, इसके ऊपर हमने जो है मच्छरदानी वाला कपड़ा भी लगाना था। वो इसीलिए कि ऊपर बाहर से जब हवा आएगी उसमें अगर कचरा शचरा या मच्छर शचर आएंगे तो वो उस कपड़े की वजह से अंदर नहीं आएंगे और ना ही उसमें कोई कचरा आएगा। तो इसके ऊपर जो है हम मच्छरदानी वाला ये कपड़ा लगाएंगे, या आपको किसी भी दुकान से मिल जाता है, किसी भी कपड़े की दुकान से ये मिलता है। तो ये मैं भूल गया था, अब इसको मैंने इसके ऊपर दोबारा से लगाना है। अब जो है हम इसके ऊपर सुपर ग्लू लगा के उसके ज़रिए इसको जगह जगह पे चिपका लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, एक साइड हमारा कंप्लीट हो गया है और अब जो है हमने दूसरी साइड को कवर करना है। तो दोस्तों दोनों साइड कंप्लीट हो गया, हमने इस कपड़े जो है काटना है। एक साइड मैंने काट दिया। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, दो साइड तैयार हो गए हैं। अब हमने यहाँ पे भी डकपट्टी लगाना है और ऊपर वाली साइड पे भी हमने डकपट्टी लगानी है। तो दूसरा साइड जो है वो यहाँ तक आ गया। अब जो है हमने इसके ऊपर भी एलपी लगा के सही मजबूत करना है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा इतना तैयार हो गया और इसके ऊपर वाले साइड जो है ये दोनों हमने इस तरह लंबे छोड़ने हैं, क्योंकि इसमें भी हम पानी वाली जो है नाली लगानी है कि इसमें पानी गिरेगा तो उस वो पानी जो है इसमें नीचे आके और ये सारा जो है ठंडा करेगा। तो इसके लिए हम नाली बनाएंगे। अभी जो ऊपर वाला साइड है उसके लिए हमने जो है दो डकपट्टी एक दूसरे के आगे पीछे इस तरह लगाना है। इस साइड पर भी नाली होगी और इस साइड पर भी नाली होगी, तो इसको हम इसके ऊपर इस तरह लगाएंगे और इधर से हम पानी का पाइप छोड़ेंगे, इसमें सुराही करेंगे, इसमें पानी जाएगी तो नीचे निकल के इसके ऊपर जो है टपकेगी। तो चलिए दोस्तों पहले इसको जो है आपस में जोड़ लेते हैं दोनों को। इसको भी हम सुपर ग्लू से जोड़ेंगे। इसको इस तरह लगाना है कि इसमें बिल्कुल भी लीकेज ना हो, अगर इसमें लीकेज हुआ तो वो पानी सारी आपके जो है साइडों पे गिरेगी। और इसके बाद जो है हमने इसके ये वाला साइड और ये वाला साइड जो है ये दोनों बंद करने हैं कि इसमें बिल्कुल भी लीकेज ना रहे, इसमें पानी अंदर पड़ी रहे। एक छोटा सा पीस काट के इसको इधर जो है इस तरह एलपी से चिपका देना है सुपर ग्लू से। तो सारे साइड मैंने लगा दिए। अब फाइनली इसका आखिरी साइड है जिसमें मैंने नाली बनाई और वो नाली भी मैंने बंद कर दी, तो इसको भी अभी मैंने इसके ऊपर लगाना है। तो आप लोगों ने भी इसको कुछ इस तरह से जो है इसमें फिट करना है। तो दोस्तों साइड जो है मुकम्मल तौर पर जो है बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है।
तो दोस्तों साइड जो है वो हमारा 100% तैयार हो चुका है। अब जो है हमने इसमें यहाँ पे खाली पानी के लिए सुराखें करनी है, तो इसके लिए हम अपने काव्या को गर्म कर लेते हैं और इसी में सुराखें भी कर लेते हैं। तो उस इसमें जो है इस तरह काव्या की मदद से लाइन पे सुराखें कर लेनी है। दोस्तों ये हमारा कंप्लीट होगा, इसमें हमने सारे सुराखें की। जब इसमें पाइप डालेंगे और उसमें पानी जाएगी तो इस सुराखों के ज़रिए नीचे जाके इस साइड में जो है सारे फैलेगी और ये सब जो है ठंडा करेगा। तो दोस्तों रूम कूलर का साइड जो है वो बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है, जो आप लोगों के सामने है। और ये ऊपर वाला साइड है जिसमें सुराखें की हुई है, इस सुराखों के ज़रिए जो है इसमें पानी नीचे जाएगा और ये पूरा ठंडा होगा। तो इसके ऊपर मैंने जो जाली लगाई है मच्छरदानी वाली, अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते इसके बगैर भी आप बना सकते हैं। ये तो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए बनाए हुए ताकि इसमें एयर जो है फिल्टर हो और कोई कचरा शरा ना आए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।